प्यार की दास्तां तो आपने सुनी होगी, प्यार में जान देने वालों की भी कहानी सुनी होगी। क्या प्यार इस तरह से चढ़ जाता है कि इस प्यार के लिए कोई अपनी ही जान दे दे? प्यार कहें या शिकार कहें, कुछ समझ में नहीं आती ये कहानी। ये संजरपुर की एक कहानी है कि किस तरह से एक युवती की, जो 22 वर्षीय लड़की है, उसकी शादी कुछ दिन पहले तय हुई और एक महीना शादी को रहा। इस समय पति पत्नियों में होने वाली कौन सी झगड़ा थी जिसके वजह से होने वाली पत्नी ने अपनी लीला ही समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि पति बार बार फोन करता था, उसे रातों में भी फोन करने की आदत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, कभी 2 बजे तो कभी 4 बजे अगर फोन नहीं उठता था तो वह अभद्रता से पेश आता था। क्या यही प्यार है? इसी प्यार के लिए लोग शादी करते हैं? आखिर उससे नाराज होकर लड़की ने क्यों आत्महत्या किया? उसके पास तो कई ऑप्शन हो सकते थे। वह इस शादी से इनकार भी कर सकती थी, लेकिन मृतिका को इस तरह से कदम नहीं उठाना चाहिए था। जीने का अधिकार तो सभी को है, और यदि कुछ गलत हो रहा था तो उसकी शिकायत अपने परिजनों से करनी चाहिए थी। घर में अंधी माँ थी, उसके बारे में भी सोचना चाहिए था। बड़ी बहन थी जिसे भी वो अपनी कहानी बता सकती थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी और किस कारण उसने आत्महत्या किया? ये बहुत बड़ा सवाल रहा। मौके पर पहुंची सरायमीर थाना फोर्स पुलिस ने इस पर कार्रवाई करने के लिए ठान ली है, और आने वाले दिनों में हकीकत आपके सामने होगा। आजमगढ़ ब्यूरो सरफराज अहमद की स्पेशल रिपोर्ट, DGS न्यूज 24। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम छित्तूपट्टी में। कल 6 बजे रंजना चौरसिया ने आत्महत्या की। आप उनकी क्या लगती हैं? क्या नाम है आपका? आपको कब पता चला? पता चला 7 बजे। 7 बजे? हाँ, 7 बजे। उसने क्यों आत्महत्या की, इसकी वजह कुछ आप बताएं? सर, उसका आदमी फोन कर रहा था बार बार। किसका आदमी? रंजना का। क्यों बार बार फोन कर रहा था? बार बार फोन कर रहा था, रात में 2:30 बजे करता था, 3:30 बजे 3 बजे करता था। अच्छा। फिर सुबह में 5 बजे करता था। अच्छा। 10:00 बजे करता था। अच्छा, क्यों इतना टेलीफोन, क्या वजह? शादी हो गई थी कि अभी नहीं? पड़ी है, तो पड़ा बग दे मन। अभी 26-27 अप्रैल को है। अच्छा, 26-27 अप्रैल को है। रात में अगर फोन नहीं उठता था, गाली देता था। किसको गाली देता था? क्यों? जब मैं यहाँ थी तब हमारे मोबाइल पे करते थे। अच्छा, फोन क्यों नहीं उठा रही है? अच्छा, तो इसकी जो कल आत्महत्या की, इसकी कुछ वजह आप बता सकते हैं क्या है? सर, वो कल फोन किया था। अच्छा। तो वो फोन एक बार नहीं उठा जी, उसी पे गाली दिया, हमेशा बोलेगा मेरा मरा मुंह देखोगे। अच्छा अच्छा, उससे पहले मैं मर जाऊंगा, मरा मुंह मेरा देखोगे जी। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला, जहाँ शादी लगी हुई थी वो कहाँ का रहने वाला? किस गाँव? हैं, दक्षिण गाँव। अच्छा, उसके पिता का क्या नाम? अनुज। और उसका क्या नाम है जिसके साथ शादी लगी हुई थी? नरेश। नरेश, नरेश करता क्या, कुछ है आपको जानकारी? सर, सुबह में पान का धंधा करता था, 11 बजे से अंडा का धंधा करता था। अच्छा अच्छा, और ये आपके पिता जिंदा हैं कि नहीं? नहीं, जिंदा हैं। आपके घर में कौन कौन से लोग हैं? इस समय मेरी मम्मी है जी, वो रंजना थी। अच्छा, और कोई नहीं था। और आपके भाई? हमारे भाई परदेश हैं। अच्छा, मम्मी इस वक्त अकेली हैं? हाँ, देख लीजिए, दोनों आँख की अंधी हैं। दोनों आँख की अंधी हैं आपकी माता जी? हाँ माता जी, कैसे, क्या हुआ, कल बेटी ने आत्महत्या कर ली, बताएंगे कुछ आप? आपको कुछ पता है? मूठ बोला। हाँ? अच्छा, हाँ, ये कितने दिन होते हैं कि इनको नहीं दिख रहा या कि? सर, बचपन में 2 साल के थे। तभी से नहीं दिख रहा। और आपके पिताजी को देहांत होकर कितना दिन हुआ? हमारे पिताजी को 9 साल चल रहा था। 9 साल हो गए, सितंबर में 9 साल पूरा होगा। अच्छा अच्छा, अब 4 बजे फोन करेगा। अच्छा, मैं तो कुछ उल्टा सीधा ऐसा बोल रहा है कि भाई हमारा अच्छा छत पे दाई
अच्छा छत पर से फिर नहीं उतरी। अच्छा आपकी बहन हाँ। छत पे गई फिर छत से नीचे नहीं उतरी। अच्छा छत पे ऐसा करकट रखा है ना जी जी उसमें लोहे का वो था जी वही में लगा ली। अच्छा पाइप में। अच्छा तो थाने की पुलिस आई थी क्या? पुलिस आपको क्या आश्वासन क्या दी कुछ मतलब नहीं गया। हाँ तो अब तो उसका पोस्टमार्टम होगा ना सर। हम जब आए ना जी तब माटी वो सिलाई होके जी टेम्पो में लद गई। हाँ हाँ वो तो है ना प्रक्रिया होगी ना वो तो पोस्टमार्टम के लिए गई। चलिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया।